चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का दो सबसे बड़ा रोमांटिक फिल्म मैं सेहरा बांध के आऊंगा और मेहंदी लगा के रखना तो भोजपुरी दर्शकों को याद ही होगा, लेकिन अब एक बार फिर से खेसारी लाल यादव एक और नई रोमांटिक फिल्म लेके आने वाले हैं जिसका खुलासा हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का नया धमाकेदार रोमांटिक फिल्म का अनाउंसमेंट डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ने किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रजनीश मिश्रा ने फेसबुक लाइव पर इसके अनाउंसमेंट किया है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के साथ डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ने दो फिल्में किया है और दोनों ही फिल्मों ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स किया है, लेकिन अब एक बार फिर से तीसरी फिल्म को रजनीश मिश्रा ने अनाउंस कर दिया है और तीसरी फिल्म का नाम है डोली सजा के रखना। जी आपको बता दें कि रजनीश मिश्रा की तीसरी फिल्म में एक बार फिर से खेसारी लाल यादव की जोड़ी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलेगा, यानी कि डोली सजा के रखना में खेसारी लाल यादव काम करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो डोली सजा के रखना में एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के अपोजिट अक्षरा सिंह नजर आ सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में ही डोली सजा के रखना में खेसारी लाल यादव के अपोजिट अक्षरा सिंह नजर आएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से इन दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर एक साथ नहीं देखा गया है, वो भी लीड रोल में, क्योंकि आइटम सॉन्ग में खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह की जोड़ी देखा गया है, लेकिन काफी लंबे समय से इन दोनों की लीड रोल में फिल्म में देखा नहीं गया है। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में अक्षरा और खेसारी लाल यादव की जोड़ी डोली सजा के रखना में देखने को मिलेगा, इसके बारे में ऑफिशियली कंफर्मेशन कब आता है। लेकिन इतना तो कंफर्म हो चुका है कि डोली सजा के रखना में एक बार फिर से खेसारी लाल यादव का जोरदार रोमांटिक अंदाज भोजपुरी दर्शकों को देखने को मिलेगा।